ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी मुर्शिद पाक है। दोनों हाथों से दबाओ जरा जोर लगा के। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक आमिर सियाल रांझा से, जो कि बीवी की खिदमत करते हैं, पांव धो धो कर पानी पीते हैं और कहते हैं इनके लिए शफा है। ये उठी भी लेट है, सारा काम भी मैंने किया है, झाड़ू भी लगाया, तपड़ी भी लगाई है, और ये अभी भी नाराज है कि मेरी नींद क्यों खराब की है। मेरे प्यार ने इनको ऐसा किया हुआ है ना, इनसे काम करवाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। प्यार न लेना सही, गुस्से न ले देख लिया कर, बीमारा नु शिफा मिल जाती है। क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हुए, मुंह लटका के आपकी टांगे दबा रहे? बस ए मेरियां गल्लां नहीं मानदे ते इसे लिए मैं जड़ा ना इन्हां नाल नाराज होई हां। अब क्यों रहे हो, देखिए पांव चूम रहे हैं आपके, अब क्यों नाराज मना रहे ने ना, क्यों नाराज क्यों है, क्या वजह, क्यों नाराज है? ये बस छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी मुर्शिद पाक है। मुर्शिद पाक है, आप क्यों नाराज हुई है? देखिए इतना प्यार करते हैं आप इनसे ही पूछ ले मैं क्यों नाराज हुई, बताएं क्यों नाराज है, क्या वजह? आप सुबह सुबह आ गए हैं ना, तो ये जल्दी उठने की से आदत नहीं है, तो ये आज वो हमारी काम वाली की भी छुट्टी थी, उसकी तबीयत ख़राब है, तो फिर अभी ये सारा काम इसने, ये उठी भी लेट है, सारा काम भी मैंने किया है, झाड़ू भी लगाया, तपड़ी भी लगाई है, और ये अभी भी नाराज़ है कि मेरी नींद क्यों ख़राब की है। ये नीचे भी नहीं आ रही थी, कपड़े भी इसको मैंने प्रेस करके दिए हैं, देख लें अभी उन्होंने आपको कपड़े भी प्रेस कर दिए। चले हम सॉरी करते हैं, हम सुबह सुबह आ गए, लेकिन अब नाराजगी क्या वजह, माफ़ कर दें, क्या कोई और वजह तो नहीं है? उन्होंने घर के काम शाम तो नहीं किए, काम वगैरह नहीं किए? नहीं काम किए हैं, काम क्यों नहीं करने, काम इसने ही करने हैं और किसने करने हैं? अगर जिस दिन ये काम ना करें घर के, फिर इनको कुट पड़ती है मेरे से, कुट पड़ती है, छुट्टे पड़ते। ये कौन सी नई बात है, कभी कभी हो ही जाता है, काम वाली जो काम करती है। इनसे काम करवाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इनसे काम करवाना ज्यादा अच्छा लगता है। कितना अर्सा हो गया हमारी शादी को? 14 साल हो गए तकरीबन। 14 साल से ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है 14 साल से। 19-20 का भी फर्क नहीं आया? नहीं, अगर होता है तो फिर मैं इनको सीधा कर लेती हूँ। सीधा कैसे करती हूँ? डंडों के साथ। डंडों के साथ आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज है हमारी। लव मैरिज कैसे हुई है सर आपकी, आपकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है? नहीं मैं खुशकिस्मती कहूंगा, अल्लाह का शुक्र है अच्छी लाइफ गुजर रही है, खुशकिस्मत हो रहे थे, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन बताए ना ऐसा कैसे हुआ, शोहर आपके का प्यार ने, मेरे प्यार ने इनको ऐसा किया हुआ है ना, आपके प्यार ने आप ये प्यार करते हैं? ये ना भी करें मैं तो करता हूँ ना, इनके प्यार ना करें, बस ये अपने कदमों में जगह दे दें यही काफी है। ऐसी तरह शर्माती रहती है? नहीं वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। घर में वैसे क्या रिएक्शन होते हैं, अभी तो बड़े प्यार से बात कर रही हैं, जैसे नॉर्मल बात करती है ना वैसे बात करें। हम घर में पंजाबी बोलते हैं, बच्चों के साथ हम उर्दू बोलते हैं, तो फिर मैं इनको कहती हूँ हाँ किथे चल रहे हैं, की कर रहे हैं, किधो आना है कार, इस तरह बात करती हूँ नॉर्मल लहजे में। अब टांगे तो नहीं आपकी दर्द करती होंगी, आपको दवाई देखिए कितने, थोड़ा सा तो रहम कर लिया करें। नहीं रहम की कोई गुंजाइश नहीं है, बची ही नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। लव मैरिज करके आपने गलती नहीं की? नहीं लव मैरिज का ये है कि अगर आप लव मैरिज करते हो ना तो फिर आप ज़िंदगी में किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैं वो अपनी मर्जी कीती हुंदी तो आज मैं खुशहाल हुंदा, तो अरेंज भी अच्छी चीज़ है अगर चल जाए तो। तो से दबाओ जरा जोर लगा बातें कम करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो है खानदान में तो आपको सब कहते होंगे सही, रणवीर का दोस्त? हाँ कहते हैं, कहते हैं, मेरी फ्रेंड कॉल करके पूछती हैं कि क्या किया भाई को, क्या घोल के पिलाया हमें भी बताओ। मैं कहती हूँ भाई हमारा प्यार है घोल के, इसमें पिलाने वाली कौन सी बात है, प्यार कहाँ कहाँ नजर आ रहा है हमें तो नहीं नजर ये प्यार ही है और ये क्या है, टांगे दबा रहे हैं, ये हमारा प्यार है, लोग इसको रन मुरीदी कहते हैं मगर ये हमारा प्यार है। अच्छा सर आपने कहा था कि आपके एक पथरी थी, वो आपने इनके पांव धोकर पानी पिया, पथरी गायब हो गई, ये क्या सीन था? एक फेद की बात है, एक अकीदे की बात है कि इन्होंने खिदमत इस तरह की। आपने तो अपने मिसेस की पिक का लॉकेट भी पहना हुआ है जी, ये देखिए मोहब्बत, मोहब्बत देखें लड़कों क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया है ये देखें। और ये तब अभी लॉन्च होना था जबकि मैंने पाउच बनवा के रखे हैं, अभी फोन हमारा। माय वाइफ इज माय लाइफ, इतने अच्छे हस्बैंड, अभी भी आप नाराज हैं? नहीं अब मैं मान जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। कैसे मानेंगे, चले अभी ने मना के दिखाया, मना लें बस अभी ने। अभी मैं इन्हें गाना सुनाऊंगा तो ये मान जाएंगे। कौन सा गाना सुनाएंगे जरा? प्यार न लेना सही, गुस्से न ले देख लिया कर, बीमारा नु शिफा मिल जाती है। मान गई? नहीं नहीं मैं मान गई। मान गई? अच्छा चले
और कुछ ट्रेंड मतलब क्या मान गई है क्या देने नहीं है ये आपके 15 प्रो मैक्स के पहुंच है अभी वो जो आप टाइटेनियम कलर मांग रही हो ना वो आया नहीं उनके पास बिलो में पड़ा हुआ है तो मुझे पता है आपकी पसंद का कलर नहीं लाऊंगा ये देखो ये वो 80 रुपए वाली ऐनक नहीं है अल्लाह की कसम ये देखो मेड इन इटली लिखा हुआ है भाई ये दिखा देना यार आप भी देख लो ये एक्सपेंसिव ऐनक है हालांकि मैं अपने लिए जो लेता हूँ वो 80 रुपए या 100 रुपए वाली लेता हूँ चलो इनको भी गाना ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं जान ले लूं भी मैं जान दे दूं भी मैं कोई कीमत झुकाने की परवाह नहीं ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। वाओ देखिए आपकी मिसेज ने आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया है। वाह ये मेरी बहन आपका आपके आने का बहुत शुक्रिया आपकी वजह से नहीं तो आज शाम तक मैंने तो गंजा और गंजा पहने सी मुक्के चपेड़ा कुछ सोना सारा कुछ पहना सी डंडे पहने सी। हाँ अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी इस वक्त मुझे कपल देख रहे हैं मियाँ बीवी देख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बात किया करें सबसे बढ़ के एक दूसरे को इज्जत दें। जब आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के अंदर जो है ना प्यार खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो बस प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए बस कहना मानना चाहिए एक दूसरे का। हाँ सर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि अगर बेगम गए ना कि अम्मी नहीं अगर बेगम गए ना कि अम्मी तो मैं इनको कहूँगा जी आपकी अम्मी सासू मुबारक हैं सासू पाक हैं। तो अगर ये कहें अब्बू तो मैं कहूँगा जी आपके अब्बू हैं बहुत मुबारक आदमी हैं। यानी कि इनके घर वालों की तारीफ़ करते रहें इनकी तारीफ़ करते रहें। ये कुछ भी नहीं बीवियाँ कुछ भी नहीं मांगती ये सिर्फ तारीफ़ की भूखी होती हैं प्यार की भूखी होती हैं तारीफ़ की होती हैं और इन्होंने आपसे डॉलर तो लेने नहीं है। वैसे मेरे पास जो कुछ है वो आप रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें इसी के नाम पर ही है लगाओ घर के सारे काम कर लेते हैं। आप देख सकते होंगे कि झाड़ू लगाना बर्तन धोना कपड़े धोना पोछा लगाना डस्टिंग करना और इनकी इतनी खिदमत करना कि ये चलती हैं तो इनके हाथ इनके पाँव के नीचे इनका हाथ होता है। इतनी मोहब्बत कोई शोर कम ही बीवियों से करते हैं। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।